तो हेलो एवरीवन, आप सभी को हमारे इस वीडियो में स्वागतम है। और आज दोस्तों हम लोग इस वीडियो के अंदर आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन देंगे, जिस इन्फॉर्मेशन से दोस्तों आपको हेल्प भी मिलेगा और आपको शायद इसका बारे में पहले से भी पता होगा। ठीक है, तो क्या है दोस्तों, ऐसा अपडेट है इस वीडियो के अंदर हम लोग बोलने वाला है, तो आपको इस वीडियो के अंदर शुरू से लेकर लास्ट तक देखना पड़ेगा। और मैं आप लोगों को दोस्तों इस वीडियो के अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा, जिस इन्फॉर्मेशन से दोस्तों आपको एक फायदा भी मिलेगा। आप लोगों में से बहुत सारे भाई लोग कुछ दिन से मेरे को एक मैसेज कर रहे हैं, भाई हम जब भी एयरटेल पेमेंट बैंक एप्लीकेशन मोबाइल वर्जन में यानी डेस्कटॉप पे हम लोग जब भी लॉगिन कर रहे हैं तब भी एक नोटिफिकेशन आ रहा है, जिस नोटिफिकेशन यहाँ पे शो हो रही है, यहाँ पे RBI का द्वारा दोस्तों आपको सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट ओपनिंग का ऑप्शन आपको नहीं परमिशन दिया जाएगा। इसमें क्या एक लफड़ा है, क्या आपको करना, आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ऐसा भी बहुत सारा भाई लोग बोल रहे हैं। बहुत सारा भाई लोग बोल रहा है जो भाई हमारा पास तो अकाउंट ओपनिंग और APS सर्विस भी हट गया है, तो भाई हमको नहीं मिलेगा कि मिलेगा। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम लोग उसी के बारे में पूरा चर्चा करेंगे। आपको इस वीडियो शुरू से एक लास्ट तक देखना है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर उसका पूरा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। बोलो तो जिसका APS अकाउंट ओपनिंग ऑप्शन हट गया है तो उसका भी हम लोग इन्फॉर्मेशन देंगे, और जिसका दोस्तों अभी पोर्टल में शो हो रही है जो RBI का द्वारा आपका अकाउंट ओपनिंग सेविंग अकाउंट करंट अकाउंट ओपनिंग जो अकाउंट ओपनिंग होता है वो आपको सर्विस नो रिकमेंडेबल, तो यहाँ बताएगा आपको नहीं परमिशन दिया जाएगा। तो यहाँ पे क्या है ऐसा लफड़ा है दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे। तो खास करके दोस्तों यहाँ पे एक शो हो रही है, आप लोगों को शायद दोस्तों पता होगा 2023 में जनवरी फरवरी महीना में होगा शायद ऐसा, जो कुछ कुछ फिन कोड में APS ऑप्शन बंद कर दिया था, ब्लॉक कर दिया था RBI का द्वारा, जिसमें दोस्तों अभी भी जो जो पिन कोड बंद किया अभी भी दोस्तों उस पिन कोड में APS नहीं होता है। तो उन फीचर्स में दोस्तों अगर बात करेंगे उस जगह में, अगर हम बात करें दोस्तों बहुत सारा पिन कोड है दोस्तों, अगर आप लोग पिन कोड देखना चाहता है तो आप लोग दोस्तों हमारे वेबसाइट में जा सकती है digitalasokistore.com, वहाँ पे आपको लिखना है APS ब्लॉक 2023 तो आपको मिल जाएगा हमारा आर्टिकल। तो यहाँ पे दोस्तों जो जो पिन कोड में दोस्तों शो हो रहा था हमारा दोस्तों, जैसे कि पिन कोड है, इस पिन कोड में भी दोस्तों बहुत जगह में दोस्तों APS ऑप्शन बंद हो चुका है। ठीक है, तो अभी दोस्तों मेरा पोर्टल खुद दोस्तों मेरा पोर्टल में भी शो हो रही है, मैं ज्यादा बात कर रहा दोस्तों मेरा आग में ये आ रहा है दोस्तों, मेरे तो थोड़ा दर्द जैसा लग रहा है तो मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ। जिसका दोस्तों ये ऑप्शन आ रही है जो आपको करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट ऑप्शन RBI का द्वारा और परमिशन नहीं दिया जाएगा, तो यहाँ पे दोस्तों एक लफड़ा यही है। बहुत सारा कस्टमर दोस्तों क्या किया है, गलती किया है, बहुत सारा भाई लोगों को पैसा 10,000 का 5,000 सॉरी 1,000 का जगह में दोस्तों 10,000 निकल दिया, 2,000 का जगह में दोस्तों 20,000 निकल दिया, ऐसा बहुत सारा रिटेलर दोस्तों फ्रॉड किया था शायद, क्या बोलेंगे दोस्तों हमारे एरिया में शायद ऐसा होगा, अलग अलग स्टेट में भी दोस्तों अलग अलग पिन कोड में भी दोस्तों हुआ था, लेकिन दोस्तों ज्यादातर दोस्तों वेस्ट बंगाल में ज्यादा हुआ है, मैं भी वेस्ट बंगाल से हूँ। तो अभी दोस्तों हमारा गांव में दोस्तों एक बाजू वाला दोस्तों यहाँ पे हमारा 22 है दोस्तों, एक है 38 है, तो बाजू में है बोलते इस तरह 38 इस तरह बोलते रास्ता है, रास्ता की तरफ 38 है 322, यहाँ पे दोनों में सेंटर में दोस्तों यहाँ पे इस तरफ दोस्तों APS ब्लॉक है और इस तरफ दोस्तों APS ऑन है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या हुआ है, RBI दोस्तों यहाँ पे जब ट्रैकिंग कर रहा है तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, उस पिन कोड के एरिया में उसको मिल जाता है, जब भी दोस्तों ट्रैकिंग करता है तो दोस्तों जो पिन कोड में दोस्तों APS बंद है उस पिन कोड के अंदर हमको मिल जाता है। तो उसी टाइम दोस्तों हमारा कभी कभी शो हो जाता है जो आपका APS बंद हो जाएगा और RBI के द्वारा आपका अकाउंट ओपनिंग सर्विस अलाउ नहीं रहेगा, करंट अकाउंट भी आप लोग नहीं खोल पाएगा, ऐसा बोल के बता रहे हैं। लेकिन दोस्तों ये अपडेट दोस्तों हम लोग अगर बताए दोस्तों आप लोगों को तो ये दोस्तों मुसीबत दोस्तों मेरा खुद नहीं है दोस्तों, सबके लिए है ये दोस्तों, आपको घबराने का दोस्तों जरूरत नहीं है। मैं आप लोगों को एक ही रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आप लोग दोस्तों APS से पैसा निकासी करता है तो आपको मैं एक ही रिक्वेस्ट करेंगे, आप जो डे का पैसा है दोस्तों डे वो तो विड्रॉल कर लेना, आप दोस्तों वॉलेट में पैसा नहीं रखना दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारा यही प्रॉब्लम हो रहा है। डे का पैसा हो तो आज आप ट्रांजेक्शन किया 2,000 3,000 जितना भी ट्रांजेक्शन करो आप फॉरवर्ड दोस्तों सेटलमेंट कर लो अपने अकाउंट में, क्योंकि दोस्तों कभी भी आपका अकाउंट बंद हो सकती है, ऐसा दोस्तों मैं नहीं बोल रहा दोस्तों, बहुत सारा रिटेलर हमको बताया जो भाई ऐसा मैं भी करता हूँ, जो कभी कभी सर्वर एरर हो जाता है तो हमको डर लग जाता है कब क्या हो जाएगा नहीं हो जाएगा, रात में सो जाएंगे बाद में सुबह होकर देखेंगे जो अकाउंट खाली है, नहीं तो अकाउंट बंद हो गया, बोलो तो कंपनी भाग गया, ऐसा ही बहुत सारा कंपनी दोस्तों मार्केट में भाग चुका है ऐसा करके। तो रिक्वेस्ट करेंगे आप लोगों को इस वीडियो आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना है, और आपको अच्छा लगा तो लाइक कर देना। थोड़ा दोस्तों मैं आवाज जोर से कर रहा हूँ तो यहाँ पे दोस्तों मेरा दर्द कर रहा है, आग थोड़ा दर्द कर रहा है, तो कुछ हो सकती है कुछ प्रॉब्लम हो रहा है मेरा, तो
चलिए, थैंक यू, बाय।